चलो मान लेते हैं तुमने चोरी नहीं किया। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं चलो मान लेते हैं। जैसे यह डायलॉग अक्सर आप सुने होंगे, चलो मान लेते हैं कि तुमने चोरी नहीं किया, फिर तुम पुलिस को देखकर क्यों भागे? चलो मान लेते हैं कि वह झूठ बोलती है, तो फिर तुम उससे बात क्यों करते हो? चलो मान लेते हैं कि उस होटल में अच्छा खाना नहीं मिलता है, फिर तुम उस होटल में क्यों जाते हो? इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं चलो मान लेते हैं को बोलने के लिए आप कहेंगे लेट्स से दैट, और उसके बाद आप एक फुल सेंटेंस बोलेंगे, यानी आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब बोलेंगे। जैसे चलो मान लेते हैं कि वह झूठ बोलती है, लेट्स से दैट सी टेल्स अ लाई। चलो मान लेते हैं कि मैं अच्छा वीडियो अपलोड नहीं करता, लेट्स से दैट आई डोंट अपलोड यूजफुल वीडियोस। चलो मान लेते हैं कि तुम गुनाहगार नहीं हो, लेट्स से दैट यू आर नॉट गिल्टी। चलो मान लेते हैं कि वह एक धोखेबाज है, लेट्स से दैट सी इज अ चीटर। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी ट्रेन छूट गई, लेट्स से दैट यू मिस्ड योर ट्रेन। चलो मान लेते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, लेट्स से दैट ही हैज लॉट्स ऑफ मनी। चलो मान लेते हैं कि मैं गलत हूँ, लेट्स से दैट आई एम रॉन्ग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो चलो मान लेते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे लेट्स से दैट, उसके बाद आप एक फुल सेंटेंस बोलेंगे, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब बोलेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कांसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अब आप प्ले स्टोर से मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।